और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया, बड़ा दावा इन्होंने किया, कांग्रेस को 40 से कम सीटें आएंगी, इन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है, गिरिराज सिंह की तरफ से ये कहा गया है। और यहां तक प्रिडिक्ट किया गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तो कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें या 40 से भी कम सीटें मिलेंगी। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं, ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। और मुंबई में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुंबई में बहुत बड़ी संख्या में तमिल समाज के लोग रहते हैं, इसीलिए वो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं ताकि बीजेपी को वोट मिल सके। हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी की उनसे खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। जो द्रविड़ वर्सेस आर्यन का एक पॉलिटिक्स का इतने सालों तक रहा है, अभी भी उसको जो प्रोपगेट किया जाता रहा है, अब यहां से वो बहस खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो मूर्ति रामलला की क्या द्रविड़ पॉलिटिक्स का एक अंत माना जाए या उसको एक शुरुआत, क्या उनके अंत की शुरुआत मानी जाए? एक जो दूरियां पैदा की गई इतने सालों में, क्या उसको भरने के लिए रामलला की उस मूर्ति को आप एक बड़ा वजह के तौर पे देखते हैं? फिर द्रविडियन पॉलिटिक्स में वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फॉर देम दे ऑलवेज से राम इज एन आउटसाइडर, राम आउटसाइडर है। बट तमिलनाडु में व्हेन यू ट्रैवल यू विल सी देयर आर क्लोज टू 1000 टेंपल्स फॉर लॉर्ड रामा। इनफैक्ट रामेश्वरम इफ यू गो, मोस्ट फेमस वन, apart from Rameshwaram also where honorable pm has visited, if you go to Srirangam temple udhar utsava murti kya hai, what is utsava murti, that is a Vibhishan ji ka murti, so which was gifted to Srirangam. There you go to across Tamil Nadu, you will see story spiritual belief like that across Tamil Nadu. We have more than 1000 ram temples which are many years old, many centuries old. So Lord Ram Tamil Nadu ka bahut sambandh hai, very close connection. Now you also see in the Lord Ram temple after the opening, Prana Pratishthai ke baad, a lot of Tamilians are visiting, bahut jyada Tamilians they are visiting. In fact, the Asta Express train, it was full, people are fighting for tickets. Now Dravidian politics ka last astra hai, North alage, South alage, Lord Ram alage, Lord Muruga alage. Now that is getting broken now. So I believe in a big way, 2024 election will be the game changer in breaking that narrative. Z News.